नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एसएससी की तरफ से एक वैकेंसी आई हुई है, काफ़ी मात्रा में वैकेंसी है, यानी कि 3,500 के अराउंड वैकेंसी है। और अगर आप मैट्रिक पास हैं, 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं, सभी के लिए यहां पे कुछ ना कुछ वैकेंसी है। टफ आपके नहीं है, यानी कि लगभग ईजी ही है, कोई भी भर सकता है। और अगर आप इंग्लिश नहीं भी पढ़ते हैं, कुछ दिन के लिए तैयारी कर लेंगे, 1-2 महीने के लिए, तो आप यहाँ पे सक्सेस हासिल कर सकते हैं। क्या क्या वैकेंसी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितने फ़ी लगेंगे, किन लोगों को फ़ीस नहीं लगेगा, तमाम चीज़ें पे डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस होगा, कहाँ पे आपको जॉब करना है, किस लेवल का जॉब होगा, ये सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि टेस्टबुक का अभी प्रीमियर लीग चल रहा है, जिसके तहत अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा भी सकते हैं और यहाँ पे चीज़ें भी जीत सकते हैं, यानी कि आप अगर लकी विजेता हैं तो आपको बाइक, एलईडी टीवी, आईपैड जीतने का मौका मिलेगा, अगर आप लाइफ टाइम वाला पास खरीदते हैं, 499 वाला। और इसमें भी आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड ईआर मनीष यूज करते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे ये वाला वैकेंसी की। और हाँ, वैकेंसी से पहले मैं आपको फिर से रिवाइंड कर दूँ कि जो आपका 27 तारीख का ट्विटर कैंपेन है आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि आपके पार्टिसिपेशन से ही वो मुहिम है जो सफल होगा। और ये मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, आप वीडियो नहीं बना रहे हो, आप मेरी वीडियो को देखेंगे शुरू से अंत तक, तो कहीं ना कहीं, कभी लास्ट में, कभी शुरू में, कभी बीच में, हर एक वीडियो में मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो हो सकता है आप शुरू में ही देखे होंगे, 1 सेकंड 2 सेकंड, उसके बाद वीडियो स्किप कर दिए होंगे तो, और नीचे कमेंट किए होंगे कि आपने इस मुहिम को समर्थन नहीं दिया। तो भाई, मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं देखते हैं या नहीं सुन पाते हैं तो वो मेरी गलती नहीं है। अब मैं क्या कहूँ कि आपके घर जाके आपको बताऊँ कि ये मुहिम है, आपको भी थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा इस मुहिम को सफल बनाने के लिए। तो बात कर लेते हैं ये एसएससी की जो वैकेंसी है। देखिएगा, जो स्टार्टिंग के कुछ डेट हैं, यानी कि जो डेट इसमें जो महत्वपूर्ण है वो दे रखे हैं कि एप्लीकेशन कब से बिगिन हो रहा है, 24 से बिगिन हो रहा है, और ये आपके अक्टूबर 25 तक इसको भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है 25/10/2021 को है, और लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट जो है 28/10/2021 लास्ट डेट ऑफ जनरेशन ऑफ चालान वगैरह से। तो जल्दी मुझे नहीं लग रहा कि कोई पे करता होगा, तो ये कोई मतलब की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैं एक एक चीज़ तो नहीं लाइन बाई लाइन बताऊँगा, क्योंकि 113 पेज का PDF है, तो जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन वगैरह पेमेंट वगैरह हो जाएगा। ओबीसी वगैरह का जो डेट है वो आपको यहां पे मिल जाएगा कि कब, कितना से पहले तक है ओबीसी वगैरह आप बनवा लेंगे, नॉन क्रीमी लेयर वाला का और एससी एसटी का, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का जो एनेक्सर है 11, वहां पे आपको चीजें दे रखी है कि कब तक आपके ईडब्ल्यूएस का बना होना चाहिए। यहां पे देखिएगा 25/10/2021, यानी कि फॉर्म भरने से पहले तक का आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए। उसके बाद ये जो CGDE के जो एप्लीकेंट है वो आपसे मतलब नहीं है, यानी कि जो लोग मतलब नौकरी में है उनसे मतलब है, तो वो सब चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा। मेन मेन जो चीज़ें हैं वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, जो SC ST OBC वगैरह का जो एज रिलैक्सेशन है वो दे रखा है, तो ये चीज़ें हैं कि आपको अगर आप SC ST में है तो आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है, ये तो आपको पता है, 3 वर्ष OBC के लिए, 5 वर्ष जो SC ST के लिए है, और बाकी जो दिव्यांग है उनको 10 वर्ष का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। उसके बाद अगर हम नीचे चले जाएं तो नीचे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने बता ही दिया कि आपके बहुत सारे पोस्ट पे, अच्छा इसको कैसे भरेंगे, ये इस वेबसाइट पे जाके एसएससी का जो आपने फॉर्म भरा होगा वहीं से आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि एसएससी का जो आपने फॉर्म भरा होगा वहीं पर कुछ आपको डेटा डालना है, ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ होगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि कभी आपने एसएससी का MTS हो या आपके CGL हो या CHSL हो, इसके ने फॉर्म भरे होंगे तो ऑलरेडी आपके बहुत सारी चीज़ें भरे होंगे, तो नया कुछ डेटा आपके चेंजेज होते हैं तो उसमें आपको कुछ डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे 100 रुपये का इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कि जैसे वोमेन कैंडिडेट है, SC है, ST है, PWD वाले कैंडिडेट हैं, इनको कोई फ़ीस नहीं लगेगा। तो और यहाँ पे एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अगर आप एलिजिबल हैं तो उस जितने पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं सभी के लिए अलग अलग से आप भर सकते हैं। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो 3 एग्ज़ाम होगा, 3 तरह के पेपर आएंगे, एक बंदे का 3 एग्ज़ाम
नहीं होगा, यानी कि CBT 3 तक नहीं जाएगा, यानी कि CBT 1 ही होगा, लेकिन तीन पेपर होंगे, एक आपके 10th लेवल के, एक 12th लेवल के, एक ग्रेजुएट लेवल के। तो यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो तीनों पेपर दे सकते हैं, यानी कि तीनों में एलिजिबल है तो तीनों पेपर दे सकते हैं, नहीं तो आप अगर एलिजिबल है लेकिन भरते हैं एक ही मेट्रिकुलेशन वाला फॉर्म तो आप सिर्फ एक ही पेपर दीजिए। यानी कि आपके पास ऑप्शन है कि आप तीन पेपर देना चाहते हैं या एक पेपर देना चाहते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर है कि यहाँ पे कौन से रीजन में आप भरना चाहते हैं। अगर ये वाला रीजन में भरना चाहते हैं तो आपके सेंटर इधर बिहार और यूपी में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप भरना चाहते हैं इस रीजन में तो आपके सेंटर, इस तरीके से आपको सेंटर के बारे में भी बता दिया, यानी कि जो इसका सेंटर है ऑल ओवर इंडिया रहेगा, यानी कि आप जिस सेंटर के लिए, जिस रीजन से भरते हैं तो उधर का ही आपको उधर ही आपको एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो आपका पेपर होगा वो आपके 60 मिनट के होंगे, आप देख लीजिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे, और मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स के हैं, और आपका निगेटिव कितना है, 0.5 है, ठीक है। और 60 मिनट में ही आपको ये कवर करना है 100 क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम बात करें क्या क्या सिलेबस में, रीजनिंग है, GK है आपके, और मैथ्स है, और इंग्लिश है, तो बेसिक इंग्लिश है, कुछ हार्ड नहीं होगा इसमें, तो जो नहीं भी पढ़ते हैं वो भी 16 नंबर का कर सकते हैं, पैराग्राफ वगैरह ऐसे होते हैं जो 4-5 नंबर का, तो वो दिला देंगे। उसके बाद वर्ड मीनिंग अगर आपके मजबूत है तो वैसे भी दिला देंगे, यानी कि 12-14 नंबर तो वैसे भी आ जाते हैं, तो आप भर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है अगर आप रेलवे के भी एस्पिरेंट है तो। और उसके बाद अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, देखिए मैट्रिक लेवल पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका सिलेबस यहाँ पे है, उसके बाद इंटर लेवल के जो CBT होंगे 1, उसके लगभग एक ही जैसे, लेवल क्या होगा कि थोड़ा सा जो मैथ्स का लेवल है वो बढ़ा देगा, इंग्लिश का लेवल बढ़ा देगा, सिलेबस तो सबका वही है, चारों सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रेजुएशन लेवल के जो सभी एक ही जैसे क्वेश्चन है, कोई अलग से इसमें मतलब कि है नहीं, टॉपिक सभी का एक ही है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग कर सकता है। आप जैसे देखेंगे कि जो सिलेबस है वो CHSL का भी वही है, MTS का भी वही है, और CGL का भी वही है, तो लेवल तो वही, लेवल सिर्फ डिफरेंस होता है, ये आपके सेक्शन तो एक ही है। उसके बाद यहाँ पे आपको किस तरीके से भरना है वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है डिटेल में। आपको, आपने तो भरा ही होगा इससे पहले भी, बहुत सारे फॉर्म आपने SSC के भरे होंगे तो उस ID से आपके फॉर्म तो फिल ही होंगे, बट फिर भी आपको एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे दिया गया है कि कैसे आपको भरना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा नीचे ले जाके कि कैसे, और फोटोग्राफ है वो किस तरीके का होना चाहिए, ये भी आपको देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे देखिएगा फोटोग्राफ की वजह से रिजेक्ट हो जाता है कि इस तरीके का आपको ये वाला सही है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टू क्लोज नहीं होना चाहिए, इस तरीके का आप देखेंगे कि कैसा कैसा फोटोग्राफ यहाँ पे देखिएगा, बहुत ब्लर है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है एकदम से, यहाँ पे तो और भी ब्लर है, तो इस तरीके का उल्टा फ़ोटो नहीं लगाना है, इस तरीके से एकदम से हीरो वाला नहीं लगाना है, एकदम चश्मा उस्मा लगा के इमरान हाशमी नहीं बनना है, तो या पोज वगैरह नहीं देना है कि फ़ोटो खींचा रहे हैं उधर देख रहे हैं, तो इस तरीके का जो चीज़ें हैं वो आपको अवॉइड करना है। उसके बाद यहाँ पर एनेक्सर वगैरह जो चीज़ें हैं कि एनेक्सर के थ्रू आप देख सकते हैं, इस तरीके का इंटरफेस आपको कंप्यूटर में दिखेगा जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, ठीक है। हालांकि आपने ऑलरेडी फॉर्म भर रखा होगा SSC का तो ये सब चीज़ें भरने की आवश्यकता नहीं है, अब जैसे ही अपना वाला ओपन करेंगे तो आपके फोटो वगैरह ऑलरेडी भरे होंगे, बस कुछ एक चीज़ अपडेट करना होता है। उसके बाद ये सब जो क्या क्या सर्टिफिकेट पुलिस, जब आपके हो जाएंगे सिलेक्शन तो वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए इस तरीके का सर्टिफिकेट लगेगा, वो अभी ज़रूरी नहीं है। अब मेन बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा जूनियर सीड एनालिस्ट, यहाँ पे जूनियर सीड एनालिस्ट इस तरीके के पोस्ट हैं। उसके बाद CR रीजन में, कौन से रीजन में है, आप जिस रीजन में भरना चाहते हैं भर सकते हैं। और ये जो देखिएगा, ये Level 6 Level 4 जो है वो पे स्केल है, जो Level 6 है, हम लोग जैसे Level 1 में Group D आते हैं तो जितना ऊपर लेवल जाइएगा उतना आपके जो हैं पेमेंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें कितने पोस्ट हैं ये आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से पोस्ट हैं, यहाँ पे देखिएगा टोटल कितने पोस्ट हैं, तो आप देख लीजिएगा कि कौन से लेवल में आप भरना चाहते हैं। देखिएगा जितना भी लेवल ऊपर होगा, जैसे 6th लेवल का ग्रेजुएशन के आप पे हो जाएगा, Level 2 का है वो मैट्रिक लेवल पे हो जाएगा, Level 1 का भी बहुत सारे ऐसे जॉब होंगे जो कि आपके मैट्रिक लेवल पे होंगे। जैसे मैं नीचे जाता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे Level 1 के हैं मैट्रिकुलेशन जहाँ पे खोजता है, यानी कि Level 1 का जो है पोस्ट वो सबसे नीचे वाला है, और Level 6 का जो पोस्ट है वो सबसे ऊपर वाला है, यानी कि वहाँ पर सैलरी काफ़ी हो जाएंगे। Level 6 की बात करें तो 40 से 42 हज़ार के अराउंड, और Level 1 की बात करें तो 23 से 24 हज़ार स्टार्टिंग है। तो आपको यहाँ पे टोटल नीचे वैकेंसी भी दिखा रखी है कि कितना टोटल वैकेंसी है, एक मिनट मैं यहाँ पे नीचे जाऊँ तो सबसे नीचे आपको वैकेंसी टोटल दिख जाएगी, यहाँ पे है, यहाँ पे हाँ
3261, ठीक है। तो इतना टोटल वैकेंसी है, आप एक एक स्टेप बाय स्टेप जाके देख सकते हैं। और उसके उसमें भी एक चीज़ यहाँ पे दे रखी है, फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन कैटेगरी और पोस्ट प्लीज क्लिक यहाँ पे, इसको इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको उस पोस्ट के डिटेल पता चल जाएगा कि इस पोस्ट ये जो पोस्ट है वो कहाँ कहाँ कौन से जो जोन है वहाँ पे निकले हुए हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं इसको अप्लाई करेंगे और अच्छा खासा, अगर पेमेंट की बात करें तो 24,000 के अराउंड से स्टार्ट होगा, आपके 42 से 44,000 के अराउंड तक ये आपके स्टार्टिंग है। और अच्छा जॉब है, SSC का जॉब है तो अच्छा ही होगा, वैसे भी SSC का जॉब अच्छा ही होता है, यहाँ पे वर्कलोड उतना नहीं होता जितना कि रेलवे में वर्कलोड होता है, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी है, आप अगर सिलेबस को सूट करते हैं, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं तो काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी है, आप इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।